राधाकंतनोस्तुते सप्तकांचनगौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिभ्यं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वाद्री गुरुपाद वधु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील भवन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी का भय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों की चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अभी अभी आप लोगों ने श्रवण किया इस स्थान की महत्तम एवं ये विग्रह आदि प्रकाश होते जा रहे हैं और विशेष करके श्रील गुरुदेव की यह अप्रकट स्थली है विप्रारंभ भाव की एक विशेष स्थान है। अभी अभी आप लोगों ने श्रवण किया ये विप्रारंभ ही मिलन के जो है पुष्टि कराते हैं नौ बिना विप्लम्बिनो संभोग पुष्टि मनते ही विप्लम्ब ही मिलन के जो है पुष्टि करा दे गौरी वैष्णव प्रेम राज्य में ये विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पाद ने दर्शन कराया। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु यही जगन्नाथपुरी में अपने अंतर्ध्यान लीला प्रकाश और विशेष करके और भी गुरुवर्ग इस जगन्नाथपुरी में अंतर्ध्यान लीला भी प्रकाश क्योंकि यह विप्रम की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया। श्री गौरगोविंद गोस्वामी महाराज वर्णन करते थे यह जगन्नाथपुरी में दो विरह के साक्षात मुक्तमान विग्रह हम लोग दर्शन करते हैं कृष्ण विरह विदुर राधा और राधा विरह विदुर कृष्ण संग जगन्नाथ कृष्ण राधा जी के विरह में कैसे तरफ रहे इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण विरह विदुर फिर राधा विरह विदुर कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु अपने को राधा भाव में विभावित होकर के
किस प्रकार सदा सर्वदा विरह में तड़पते थे। कहां और प्राणनाथ मुरली वदन, कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। कहां रे कही वह दुख के जाए मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना हटे मोर दुख। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के गंगा में सदा सर्वदा रोते थे। और उस समय महाप्रभु के निकट स्वरूप दामोदर राय रमंद अपने रचित श्लोक श्रीमद् भागवत की श्लोक अथवा राय रमानंद अपने सरचित ग्रंथ जगन्नाथ वल्लभ नाटक से श्लोक आदि उच्चारण करके महाप्रभु की सांत्वना देते थे। अथवा राय स्वरूप दामोदर विद्यावती चंडीदास की ऐसे सुंदर सुंदर पदावली कीर्तन आदि करते थे और उस विरह सूचक पदावली को सुन करके महाप्रभु के विरह और भी बढ़ जाता था, बढ़ जाता। किंतु विरह में जो आनंद वो साधारण के लिए संभव नहीं है। इस विरह रस आस्वादन में एक सुंदरता माधुर्यता वही समझ सकते हैं जिसके हृदय में वो प्रेम उत्पन्न हुए है। जिससे हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं शरण जाए कि तप्त इच्छुक तप्त इच्छुक चरवण जनों शरण न जाए। चेतन चरितामृत में वर्णन करते हैं जैसे गन्ना है, गन्ने के यदि आग में तपाया जाए और इसके बाद यदि चिबाए और रस इतने गर्म हो जाता है और इतने मीठा स्वादिष्ट होता है, जलता है किंतु उसे छोड़ना संभव नहीं है। मुख जले ना है त्यागन, बोले आनंद इतने होता है जिसके जड़जगत की किस उदाहरण के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं। मेरे कहने की तात्पर्य है यह स्थान ऐसे विप्रलम्ब के स्थान और विशेष करके श्रील गुरुदेव इस स्थान की चुना, उन्होंने अंतर्ध्यान उनके स्थान की चुना और इस स्थान से अंतर्ध्यान उनके पहली दो एक दिन पहले गुरुदेव इसी मठ में बरंदा पर बैठे और उन्होंने अमृत निर्देश करके यही चक्र तीर्थ जहां पर हम लोग बैठे हैं इसी स्थान को निर्देश करते हुए कहने लगे ये महाप्रभु इसी स्थान पर और इसी समुद्र में किस प्रकार विरह रस आदि आस्वादन करते थे। चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार राधा जी के भाव में विवाहित होकर के जब गंभीरा से बाहर आ जाते थे और नील जल को देख करके समुद्र के नील जल देख करके वृंदावन की जमुना समझ करके वहां पर उसमें कूद जाते थे और फिर तरफ तरफ इस तरफ आ जाते थे कोणार्क की तरफ चले। ये सब विस्तृत जो विवरण श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में वर्णन किया। उस विरह की एक विशेष है जिसके जिस समय कृष्ण रात से जब अंतर्ध्यान हुए उस समय कैसे राधा की गोपियां किस प्रकार विरह में तड़पते, उस विरह भाव की महाप्रभु रस आस्वादन करते थे और उसी कथा को श्री गुरुदेव चिंतन आदि करते थे।
इसलिए कहा जाता है ये चक्र तीर्थ के तात्पर्य क्या है। जितने भी कृष्ण के लीलाएं हैं समस्त के चक्रवर्ती लीला कहा जाता है, रास लीला कहा जाता है। इसी रास लीला को स्मरण करते हुए श्री गुरुदेव ये समस्तान के जो निर्देश करते थे और चिंतन आदि करते थे। इसलिए गुरुदेव के लिए अप्रकट लीलास्थली और इस अप्रकट लीलास्थली में ऐसे सुंदर भव्य मंदिर बन रहे हैं, प्रकाशित हो रहे। और विशेष करके इस मंदिर की प्रकाश की जो अवदान जो विशिष्ट जो है हमारे न्यूजीलैंड के प्रभु दामोदर प्रभु जयश्री देवी और उनके परिवार लोग और इसके हमारे परमानंद प्रभु भी उसमें भी बहुत सहायता आदि की। और विशेष करके उतना जी हमारे गुरुदेव के अत्यंत कृपा पत्र हमारे परम पूज्यपाद बंशी बुधन महाराज भक्ति वेदांत बुधन महाराज उन्होंने भी अथक परिश्रम करके और विघ्न आदि प्रकाश करते जा रहे हैं और इसके लिए उनके लिए भी सभी जोर से ताली, क्योंकि ऐसे सुंदर विग्रह प्रकाश मंदिर प्रकाशन और ये अद्भुत है। गुरुदेव के मार्गिष्ठ जो है स्थापन करते जा रहे हैं। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेकर के यह पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और वक्ता लोग आगे विषय वृत्ति के और भी प्रकाशित करेंगे। वंशा गुरुदेव से कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।